Follow me on my Instagram at AutoReviewer, as I'll be posting regular content over there. And do hit that post notification bell and turn on the post, stories, videos, reels notification on, so that whenever I post a content, you get notified. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं रेनो की काइगर का। जी हाँ, ये गाड़ी जो है इसके प्राइसेस स्टार्ट होते हैं अबाउट 5.64 लाख एंड रेंजेस अप टू 10.89 लाख। कुछ इस तरीके से आपको इसकी की मिलती है जिसको रेनो एक्सेस कार्ड कहता है। इट लुक्स लाइक अ रिमोट मोर और लेस। सो बेसिकली ये जो मॉडल आप देख रहे हो मेरे सामने काइगर का, दिस इज़ द RXZ टॉप एंड ट्रिम विद डुअल टोन फिनिश। सो इसके प्राइसेस होते हैं 8.61 लाख एक्स शोरूम डेली। ये जो वेरिएंट है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द AMT गियर बॉक्स। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये काफ़ी स्पेशल कलर है, दिस इज़ कॉल्ड द महोगनी ब्राउन शेड फॉर द रेनो काइगर। और ये सिर्फ RXZ और RXT में आता है। सो चलिए अब हम इसके इंजन बे की बात करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले कैबिन में स्टेप इन करना पड़ेगा एज ऑलवेज। यहाँ आपको एक नॉब काइंड ऑफ अ थिंग मिलेगी नीचे की तरफ, उसको अगर आप पुल कर दोगे ना तो आपका बोनट अनलॉक हो जाएगा आगे जाकर। सो उसके लिए वहाँ जब बोनट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक और लीवर मिलेगी जिसको अगर आप पुल करेंगे तो आप अपना बोनट को लिफ्ट अप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से खुल जाएगी ये। सो कुछ इस तरीके से इसका इंजन बे मिलेगा आपको। दिस इज़ द 1 लीटर एनर्जी AMT ट्रांसमिशन and it produces 72 PS of power and 96 Nm of torque. इसमें आपको 1 लीटर टर्बो CVT भी मिलेगा जो कि 100 PS की पावर देगा और 152 Nm की टॉर्क भी देगा। ऊपर इंसुलेशन मिलेगी आपको, तो काफ़ी अच्छा इंजन बे रखा गया है, कॉम्पैक्ट रखा गया है। सो नाउ लेट्स जस्ट क्लोज इट एंड स्टार्ट द वॉक अराउंड। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट ग्रिल स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर आपको ट्विन प्लेटेड क्रोम ग्रिल मिलेगी विद द ह्यूज रेनो लोगो सेटिंग इन द सेंटर। सो काफ़ी अच्छी लगती है इसको देखने में क्रोम ग्रिल। इधर की तरफ अगर आप आओ तो यहाँ पर आपको इसका इंडिकेटर विद द LED DRLs नीचे देखने को मिल जाएंगे। सो दिस बोथ इज़ इन LED, आपको DRL भी LED मिलेगी और इंडिकेटर भी। नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो यही आपके मेन लैंप्स हैं और यही फॉग लैंप्स का काम करेंगे। दीज आर आइस क्यूब LED फॉग लैंप्स और मेन लैंप्स की वुड से, दिस इज़ LED। एंड नीचे आपको यहाँ टोइंग हुक मिल जाएगा और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी विद द ब्लैक स्किड प्लेट इन द बॉटम टू मेक इट मोर अग्रेसिव। सो अब चलते हैं हम इसके कुछ डायमेंशंस की तरफ भी एक बार नज़र देख लेते हैं। सो अब मैं आपकी स्क्रीन पर इसके डायमेंशंस डिस्प्ले कर दूंगा, बाकी मैं बता भी देता हूँ कि दिस कार इज़ अबाउट 3.9 meters in length, 1.75 meters in wide, and it has a height of 1605 millimeters and a whopping wheelbase of 2500 millimeters. The best part about this car is the ground clearance though. It has a whopping ground clearance of 205 mm. So, ab hum chalte hain iski side profile par aur sabse pehle tyre se shuru karte hain as usual. So, yahan pe aapko jo tyre milenge that will be 195/60R16. That means this is a 16-inch alloy with this dual tone finish on them. So काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छे लग रहे हैं इस गाड़ी के हिसाब से। ऊपर आपको ये स्किड प्लेट कंटिन्यू दिखेगी फॉर द टायर्स। यहाँ आपको RXZ मॉडल की बैजिंग मिल जाएगी। डुअल टोन फिनिश है तो आपको यहाँ पर ORVMs और रूफ ब्लैक मिलेंगे विद LED रनिंग स्ट्रिप ओवर हेयर। यहाँ आपको इसके बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। एंड वन ग्रेट थिंग अबाउट दिस कार इज़ दैट आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंसर्स तो नहीं होंगे, पर जैसे ही आप इस गाड़ी के पास आओगे आपके पॉकेट में चाबी होगी तो ये अपने आप ही डोर अनलॉक हो जाएंगे। और जैसे ही आप दूर जाओगे गाड़ी से तो वो आपके लिए डोर्स को क्लोज भी कर देंगे, लॉक भी कर देंगे इनफैक्ट।
सो रूफ़ की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्टर्डी सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स मिलेंगी विच कैन एक्चुअली बी फंक्शनल। ऊपर आपको डुअल टोन फिनिश रूफ मिलेगा, नो सनरूफ एंड शार्क फिन एंटीना ओवर देयर। सी पिलर आपको ब्लैक्ड आउट मिलेगा यहाँ पर। और अब पीछे की तरफ आते हैं, सबसे पहले नज़र डाल लीजिए आप इसके लुक के ऊपर। काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस यूनिक स्पॉइलर ओवर हेयर विद हाई माउंटेड स्टॉप फॉग लैम्प सिटिंग इन द सेंटर। और ऊपर ही आपको इसका वॉशर मिल जाएगा साइड में, नीचे आपको डिफॉगर और वाइपर की जगह देखने को मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं नीचे से। सो कुछ इस तरीके से गाड़ी लगेगी आपकी पूरी। सेंटर में आपको रेनॉ का लोगो देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इसकी यूनिक सी शेप्ड LED लाइट्स मिलेंगी। दीज आर हैलोजन फॉर द इंडिकेटर एंड हैलोजन फॉर द रिवर्स पार्किंग लाइट। बट ऑल इन ऑल काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। नीचे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, रेनॉ की बैजिंग मिल जाएगी, लोगो दिख जाएगा विद द रिवर्स पार्किंग कैमरा माउंटेड सो क्लेवरली। टाइगर की बैजिंग सेंटर में दी गई है और ईजी आर की बैजिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। नीचे नंबर प्लेट की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पर आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। सो दैट्स अबाउट इट। पीछे आपको स्किड प्लेट दी गई है जस्ट एज इन फ्रंट। नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका रियर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी क्लीन अंडर बॉडी दी गई है इस गाड़ी के हिसाब से भी, तो वो भी अच्छी चीज़ लगी मुझे। सो नाउ लेट मी ओपन द बूट एंड सी हाउ इज़ द बूट कैपेसिटी ओवर देयर लाइक। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका बूट का लेआउट देखने को मिलेगा विद अ पार्शियल ट्रे इन द सेंटर। इसको आप रिमूव भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। और आप यहाँ पर नीचे देखें तो दिस इज़ द बूट ऑफ द रेनॉ काइगर। यहाँ पर आपको इसके लिए मैं स्पेस बता दूँ तो दिस इज़ अराउंड 405 लीटर्स ऑफ बूट कैपेसिटी, जिसमें आपको 60-40 स्प्लिट्स के साथ सीट्स मिली गई हैं। सो आप चाहो तो अपनी बूट कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग और टॉपलिंग डाउन द सीट्स फर्दर। सो कुछ इस तरीके से अगर आपको मैं दिखाऊं इसका स्पेयर टायर कहाँ है तो वो नीचे मिलेगा। ओके सो इस गाड़ी में नहीं है अभी क्योंकि ये एक्चुअली एक डेमो कार है। मे बी दैट टायर हैज़ ऑलरेडी बीन इन यूज़, सो अभी उसको रहने देते हैं। पर लेकिन दैट विल बी ऑफ अ स्पेस सेवर, सो मे बी वन साइज स्मॉल। अगर आपको सीट टॉपल डाउन करनी है तो यहाँ से आप उसको पुल करके आगे पुश कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए आपकी बूट में इंक्रीज़ आ जाएगा कैपेसिटी में। यहाँ पर कुछ अगर लंबा चीज़ स्टोर करना हो आपको तो आप ऐसे भी स्टोर करके जा सकते हो। एक्चुअली दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ हैविंग 60-40 सीट्स। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द बूट। नाउ लेट मी क्लोज इट एंड देख लीजिए एक बार फिर से आप। रियर प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगती है। इधर आएँ तो यहाँ सबसे पहले आपको इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा जो कि कैपेसिटी रखता है 40 लीटर्स की। सो यप, अब चलते हैं हम इसकी रेयर सीट्स की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या कम्फर्ट और क्या फीचर्स मिलेंगे। सो यस, स्टार्ट करते हैं हम अपने डोर से। आप देखिए यहाँ डोर पर आपको इसकी फैब्रिक और लेदर मिक्स्ड अपहोल्स्ट्री मिलती है विद दिस प्लास्टिक फिनिश ओवर हेयर। यू गेट द ब्लैक डोर हैंडल्स विद पियानो ब्लैक फिनिश्ड ओवर देयर। यहाँ पर आपको इसका पूरा स्पीकर प्लेसमेंट देखने को मिलता है विच इज़ ऑफ आर्कमीज। दिस इज़ द डोर लॉक। एंड सीट्स की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको सीट्स देखने को मिल जाएंगी विद ट्विन कप होल्डर एंड द टैबलेट होल्डर इन द सेंटर। मे बी इफ यू कैन स्टोर योर फोन ओवर देयर। यहाँ आपको सेंटर में कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता बट बाकी दोनों हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड उसके अलावा अब हम बैठ के देखते हैं इस गाड़ी में। सो फॉर रेफरेंस आई वुड टेल यू दैट आई एम 6'4" टॉल एंड मेरे हिसाब से अभी इस गाड़ी में यहाँ पर is just about adequate knee room leg rooms and वो वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है और ये वाली सीट ऑलमोस्ट उसी पोजिशन में है बट इसका रिक्लाइन एंगल मैंने थोड़ा अपराइट कर रखा है। सो अभी आप देख सकते हो लेग रूम नी रूम मेरे पास अच्छा है। यहाँ पर हेड रूम भी आई कैन से दैट इट इज़ एडिक्वेट। यहाँ पर आप बात करूँ तो यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाएगा। सेंटर में आपको लाइट दी गई है, उधर भी आपको एक हैंडल और हुक मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपको रेयर AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे एंड अ 12-volt सॉकेट ओवर हेयर। ये आपको स्कूप्ड आउट सीट्स मिलेंगी विद मैगजीन होल्डर्स ओवर हेयर। दैट्स अ ग्रेट थिंग अगेन। सो अब हम देखते हैं आगे की तरफ क्या जाना है हमारे को। सो कुछ इस तरीके से आपको इसमें फ्रंट कैबिन देखने को मिलेगा। काफ़ी क्लीन और अच्छा लेआउट दिया गया है, इसमें कोई सनरूफ नहीं मिलता। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द कार। अब हम चलते हैं और अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे विच विल बी द सेफ्टी सेगमेंट ऑफ दिस कार। सो इस कार को आप जानते हो कि
कितने सारी चीज़ें मिली हैं, सच एज इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट एयर बैग्स, ड्राइवर एंड पैसेंजर्स, ABS विद EBD, लोड लिमिटर एंड फ्री टेंशनर, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड मॉडल से मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको इसमें स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक और साथ में दो साइड एयर बैग्स भी मिलेंगे। काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है फॉर दिस बजट। सो अब चलते हैं हम फ्रंट डोर पर और वहाँ से शुरू करते हैं कि क्या क्या मिलेगा आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर इसके पावर विंडो स्विचेस एंड ड्राइवर गेट्स द ऑटो अप डाउन फंक्शन। यहाँ पर आपको इसका ORVM कंट्रोल देखने को मिल जाएगा एंड फॉर्चुनेटली यू गेट द ऑटो फोल्डेबल ORVM ओवर हेयर। अभी फ़िलहाल चाबी से स्टार्ट नहीं है, गाड़ी तो ये काम नहीं कर रहे हैं, बट येस यू गेट दोज। यहाँ पर आपको इसका हैंडल मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश में। वहाँ पर आपको प्रॉपर डेड पैडल देखने को मिल सकता है। नीचे आपको ब्रेक एक्सेलरेटर के साथ कुछ ओपन वायरिंग देखने को मिलेंगी यहाँ पर। सो कुछ इस तरीके से आपको हाइट एडजस्टर मिलता है इस ड्राइवर के लिए। और हम बैठ के बताते हैं आपको कैसा सिनेरियो है आगे की तरफ। सो लेट मी जस्ट क्लोज द डोर। सो यस, सो लेट मी जस्ट गिव यू माय फर्स्ट थॉट अबाउट दिस कैबिन। सो फॉर समवन एज टॉल एज मी, आई वुड से दैट यू विल रियली नॉट फील दिस कैबिन एज एयरी एज इट इज। मे बी द कलर स्कीम इज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो स्टेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको इसका पार्ट कवर्ड लेदर मिलेगा, बाकी आपको रॉ स्टेयरिंग व्हील मिलेगा विद अ रेनो लोगो इन द सेंटर। एंड दीज कंट्रोल्स आर टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवर देयर। एंड दिस साइड के कंट्रोल्स जो मिलेंगे आपकी MID कंट्रोल करते हैं। एंड लेट मी जस्ट स्टार्ट द कार सो दैट यू कैन सी हाउ द MID और द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स। तो कुछ इस तरीके से आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है विद द एनालॉग स्पीडोमीटर इन द सेंटर। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में क्योंकि काफ़ी डिजिटल यूज़ हुआ है इसके अंदर। सो आप देख सकते हो अपने लिए बीच में आपको स्क्रीन दी गई है कि MID जिसे कहते हैं। बाकी यहाँ पे आपको इसके हेडलाइट्स के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड हेयर यू हैव द कंट्रोल्स फॉर द वाइपर्स। सो अगर स्क्रीन की बात करें तो यू गेट दिस 8 inches ऑफ डिस्प्ले लिंक फ्लोटिंग टच स्क्रीन ओवर हेयर AC वेंट्स एंड बिलो दैट। यहाँ पर आपको इसके हज़ार लाइट्स के स्विच मिल जाएंगे और बाकी डोर लॉक के स्विच मिल जाएंगे। और नीचे की तरफ आप आए तो यहाँ पर आपको इसके क्लाइमेट कंट्रोल AC के बटन मिल जाएंगे विच इज़ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ आपको इसका USB विद स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पर इसका स्टोरेज मिलेगी। हेयर ऑल्सो यू कैन सी सम स्टोरेज वेयर यू कैन कीप योर मोबाइल फ़ोन। यहाँ पर आपको इसकी AMT गेयर बॉक्स के साथ आती है तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर। दिस इज़ द ड्राइव मोड सेलेक्टेड, यू कैन सेलेक्ट इट टू नॉर्मल, इको और स्पोर्ट, दैट इज़ फॉर द USB अगेन। And this portion is basically to hide the storage behind. तो आप इसके अंदर यहाँ पर अपनी keys और कुछ अपना छोटी मोटी चीज़ें निक नैक्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा आपको एंड दिस इज़ द आर्म रेस्ट विच कैन बी ओपन टू एक्सेस द स्पेस ओवर हेयर। सो कुछ इस तरीके से लगता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो रहना आपको डुअल ग्लव बॉक्स देता है विच इज़ मैसिव इन साइज ऑल्सो। ऊपर का भी आपको अच्छा मिलेगा, नीचे भी आपको अच्छा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा विच इज़ ऑल्सो AC कूल। तो कुछ इस तरीके से था ये। ऊपर आपको इस गाड़ी में यहाँ पर IRVM मिलेगा विच इज़ नाइदर ऑटो डिमिंग नॉर मैनुअल डे और नाइट शिफ्टिंग मिरर। तो यहाँ पर आपको इसकी हैलोजन लाइट मिल जाएगी फॉर रीडिंग। द को पैसेंजर ओवर हेयर गेट्स द मिरर ओवर हेयर एंड द ड्राइवर ऑल्सो गेट्स अ मिरर ओवर हेयर। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, वेरी लेस कार्स डू दिस नाउडेज। बाकी आपको दोनों तरफ हैंडल भी मिल जाएंगे पकड़ने के लिए। सो कुछ और फीचर्स होंगे इस गाड़ी के वो मैं आपकी स्क्रीन पर अब डाल दूंगा तो आप उस पर भी नज़र फरमा सकते हो। अब चलिए वक्त आ गया है इस गाड़ी के वॉक अराउंड को एंड करने का। सो आई विल से दैट दिस कार इज़ अ वेरी होलसम पैकेज फॉर एन एवरेज बायर हु इज़ लुकिंग टू बाय अ कार इन दिस सेगमेंट। और इस सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ जो इसे कम्पीट करेंगी दैट विल बी द टाटा पंच एंड द निसान मैगनाइट। सो इन तीनों गाड़ियों में अगर आप कोई पैरामीटर जज करते हो सबसे पहले तो होता है सेफ्टी का। तो सेफ्टी के मामले में आपको सबको पता है कि टाटा की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा अच्छी स्कोर करती हैं। उसके बाद निसान और रेनो में दोनों सेम ही कैटेगरी में सेम लेवल पे होंगी सेफ्टी को लेकर। और जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इन तीनों गाड़ियों में वो इनके लुक्स, तो वो पर्सनल प्रेफरेंस होगी आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है। बाकी टाटा और रेनो आपको हर शहर में मिल जाएंगे बट निसान का सर्विस सेंटर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपको सोच समझ के उस गाड़ी को लेना है जो आपके लिए परफेक्ट चॉइस बनेगी। So that's about this for this video. Thank you so much for watching. Please give it a big thumbs up.